हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 18 की, जो कि 16 अगस्त के लिए जारी किया गया है। क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट सेलेक्टिव वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट, वी ऑफन ऑब्जर्व दैट द फूड वी ईट हैव डिफरेंट टेस्ट। इट मे बी आइदर सोर और बिटर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस इन इट। बच्चों, अब बात आती है कि एसिड क्या है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले एसिड की। तो एसिड के कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर आर सोर इन टेस्ट। ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, बिकॉज दे कंटेन एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये नेचुरल एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब ये करते क्या क्या हैं बच्चों? तो पहली चीज़ क्या करते हैं, ये दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड, टेस्ट सोर, एसिड कोरोड्स मेटल, यानी कोरोजन टाइप का कर देते हैं मेटल्स में, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। और है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, H+ आयन पॉजिटिव में होता है इनमें बच्चों, ठीक है। अब बात आते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या है? सब सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, एग्जांपल बेकिंग सोडा, इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर फील सोपी। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज बेस, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर। बच्चों, अब बेसिस कैसे होते हैं बच्चों? ये रेड लिटमस टू ब्लू टर्न करते हैं, टेस्ट बिटर, हैव OH नेगेटिव आयन बच्चों, फील स्लिपरी, और मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ यूज होते हैं बच्चों? हैंड क्लीनर, ड्रेन क्लीनर में बेसिस को यूज होता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों से मिलकर के एक चीज़ बनती है, वो है साल्ट बच्चों। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड और CuSO4, कॉपर सल्फेट। अब हम हर किसी चीज़ को टेस्ट के बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस को, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं बच्चों। अब इंडिकेटर कितने तरीके के होते हैं? इंडिकेटर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओलफैक्ट्री। ओलफैक्ट्री यानी सूंघ करके एक तरह से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल की। तो जब नेचुरल की बात करते हैं बच्चों, हमारे पास नेचर से लिटमस पे जो इंडिकेटर मिलता है हमें, लाइचेंस एक प्लांट होता है उससे मिलता है, फिर उसके बाद रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट और टर्मरिक यानी हल्दी, इससे हम इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं। अगर एसिड होगा तो लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, रेड टू ब्लू हम दो तरह के इस लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, रेड टू ब्लू नहीं होगा, दो तरह के लिटमस पेपर को हम यूज़ करते हैं इसमें, रेड और ब्लू, ठीक है बच्चों। अब अगर ये रेड टू ब्लू टर्न होता है, क्योंकि रेड वाला ब्लू में टर्न हो जाता है तो ये बेसिक होगा, और ब्लू वाला रेड में टर्न हो जाएगा तो एसिडिक होगा, ठीक है। फिर रेड कैबेज है, रेड और ग्रीन कलर बेस है। फिर टर्मरिक पे, एसिड पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब बेस पे होगा तो वो रेड कलर शो करेगा बच्चों। अब है फिर सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन है, जो एसिड के लिए रेड और बेस के लिए येलो दिखाता है, और एसिड के लिए फिनोप्थिलीन कलरलेस हो जाता है, बेस के लिए पिंक कलर दिखाता है। अब बात करते हैं ओलफैक्ट्री इंडिकेटर की एसिड और बेस के लिए, तो इसमें ऑनियन जूस, वेनिला, क्लोव ऑयल, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक स्मेल होगी इसमें, इसमें नहीं होगी, इसमें रिटेन करेगा स्मेल, इसमें नहीं होगी, और इसमें रिटेन स्मेल करेगा, इसमें थोड़ी सी लूज कर देगा स्मेल, ठीक है बच्चों, ऊपर वाले में दोनों में होगी ही नहीं। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो बच्चों, ऊपर क्या है? एसिड
और बेस, इसके आपको ये डिफरेंस लिखने हैं। जैसे कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, टर्न रेड टू ब्लू, टेस्ट बिटर, टेस्ट सोर, हाईली नेगेटिवली चार्ज और ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज एच प्लस आयन होते हैं इसमें, ठीक है। ये डिफरेंस आपको लिखने हैं, ये आपका आंसर वन है बच्चों, बेस के लिए, एसिड के लिए। चलिए अगला देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर टू। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज द इट्स नेचर। तो व्हेन ए सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट वाज बेसिक इन नेचर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, बेस है इसमें बच्चों, ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इफ इट इज फॉल्स। तो नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये गलत है क्योंकि ये ब्लू को रेड में बदलता है बच्चों, तो ये हो गया फॉल्स। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो हाँ ये सही है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंजेस इज कलर्ड व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप। तो सोप वॉश बेसिक या बेस होती है, और जब उस पर टर्मरिक रिएक्ट करता है तो वो रेड कलर का एक स्पॉट बना देता है बच्चों, इसी वजह से ये ऐसा होता है। और टर्मरिक वॉश है नेचुरल इंडिकेटर, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।